नमस्कार, वेब दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इंदौर विधानसभा की 9 सीटों का ताजा हाल जानते हैं। इंदौर की अधिकांश सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, जानते हैं ताजा हाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना चल रही है, भाजपा की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और कांग्रेस खेमे में निराशा छाई हुई है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर पर पूरे प्रदेश की निगाह लगी हुई है। इंदौर जिले की 9 सीटों का ताजा हाल आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंदौर एक की। इंदौर एक सीट पर पूरे देश की नजर लगी हुई है। कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला के बीच मुकाबला है और कैलाश विजयवर्गीय ने जबरदस्त बढ़त बना ली है और वे चुनाव जीत जाएंगे। अब बात करते हैं इंदौर दो की। रमेश मेंदोला ने अपने प्रत्याशी चिंटू चौकसे पर भारी बढ़त बना रखी है। इस सीट पर निगाह इस बात पर लगी हुई है कि मेंदोला कितने मतों से जीतते हैं। बात करेंगे इंदौर तीन की तो पिंटू जोशी और गोलू शुक्ला में नजदीकी मुकाबला है। फिलहाल कांग्रेस के पिंटू जोशी ने बढ़त बनाकर रखी है। इंदौर चार से मालिनी गौड़ ने शुरुआत से ही कांग्रेस प्रत्याशी पर बढ़त बना रखी है और यह बढ़त बढ़ती ही जा रही है। अगर बात करें इंदौर पांच की तो यहां नजदीकी मुकाबला है। कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल और भाजपा के महेंद्र हार्डिया ने बढ़त बना ली है, हालांकि बढ़त ज्यादा नहीं है। रहो आश्चर्यजनक परिणाम पर सीट पर मिल सकते हैं। जीतू पटवारी को विजयी माना जा रहा है लेकिन वे भाजपा के मधु वर्मा से पिछड़े हुए हैं। बात करेंगे सावेर की तो सावेर में मुकाबला फिलहाल नजदीकी चल रहा है लेकिन भाजपा के तुलसी सिलावट आगे चल रहे हैं। देपालपुर से भाजपा के मनोज पटेल ने बढ़त बनाकर सभी को चौंका दिया है। और बात करें अगर महू की तो महू में उषा ठाकुर ने अपने नजदीकी प्रत्याशियों पर भारी बढ़त बना रखी है। ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, यानी विजिट करें वेब दुनिया पर।